दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अलग ही तरह की वैश्विक समस्या की जो हम रोज आसपास देखते हैं। हम बात करेंगे मोटापे की। मोटापा एक ऐसी समस्या है जो पूरी दुनिया में काफ़ी प्रचलित हो रहा है, काफ़ी कॉमन पाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अनुमान के अनुसार लगभग 39% पॉपुलेशन जो है ओवरवेट है और 14% पॉपुलेशन जो है वो ओबीज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 50% से अधिक पॉपुलेशन का जो वेट है वो नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से ज़्यादा है। ये समस्या आमतौर पर ऐसा विश्वास किया जाता था कि जो रिच कंट्रीज हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा है तो ओवर ईटिंग की वजह से ये उनको उनमें ये पाई जाती है, लेकिन ऐसा सच नहीं है, क्योंकि अब ये जो मिडिल इनकम और लो इनकम जो कंट्रीज हैं उनके अंदर भी बड़ी कॉमनली इसको देखा जाने लगा है। तो ये एक बड़ी बीमारी के रूप में उभर रही है और लेकिन इसको बिल्कुल निगलेक्ट किया जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि आप कैसे जान सकते हैं कि क्या आप तो ओवरवेट या ओबीस नहीं हैं। तो इसके लिए फार्मूला होता है बॉडी मास इंडेक्स का। बॉडी मास इंडेक्स जो है वो होता है कि आपका जो वेट है, मान लीजिए आपका वेट है 100 किलोग्राम, से फॉर एग्जांपल 100 किलोग्राम, ये बॉडी आपका जो वेट है वो किलोग्राम्स के अंदर होना चाहिए, और डिवाइडेड बाय, इसको हम डिवाइड करेंगे आपकी जो हाइट है, हाइट इन मीटर्स। मान लीजिए आपकी हाइट है 5 फीट, तो आपकी मीटर्स में कितनी होगी, 1.52 मीटर्स। इसी तरीके से आप अपनी हाइट को मीटर्स के अंदर कैलकुलेट कर लीजिए, और हाइट इन मीटर्स का जो स्क्वायर है, यानी अगर 5 फीट है तो 100 बाई 1.52 इनटू 1.52, तो आप 100 को अगर 1.52 इनटू 1.52 हो गया 2. तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका बॉडी मास इंडेक्स कितना आता है। तो ये देखा गया है कि WHO ये कहता है कि यदि आपका बॉडी मास इंडेक्स 24 तक है तो आप नॉर्मल हैं, यदि 25 से 30 के बीच में है तो आप ओवरवेट हैं, और 30 से ऊपर है तो आप ओबीज यानी मोटापे के शिकार है। हालांकि इंडिया के अंदर इसकी अलग डेफिनेशंस बताई गई हैं, जिसके अंदर ये बोला गया है कि आपका बॉडी मास इंडेक्स अगर 18 से 23 के बीच में है तो आप नॉर्मल हैं, 23 से 25 के बीच में आप ओवरवेट हैं, और 25 से ऊपर आप ओबीस हैं। पर यदि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से चलें तो 25 से 30 के बीच में आपको ओवरवेट कहा जाएगा और 30 के ऊपर आपको ओबीस कहा जाएगा। फिर भी ऐसे लोगों की इतनी बड़ी पॉपुलेशन निश्चित रूप से चिंता का विषय हो सकती है। अब ये देखते हैं कि इसके हेल्थ के क्या क्या रिस्क होते हैं, मोटापा होने से आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो देखिए, बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे कार्डियोवास्कुलर, हार्ट की बीमारी, आपको ब्रेन की बीमारी, आपको ओबेसिटी के साथ आपको डायबिटीज, ब्लड शुगर ज़्यादा होना, कैंसर बहुत तरह के, आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होना, ये सब समस्याएँ इस मोटापे के साथ इनका क्लोज एसोसिएशन मिला है, और ये काफ़ी कॉमन इन लोगों में पाई जाती है। तो हम जो बात करेंगे वो ये है कि यदि आपको मोटापा है तो इसका असर आपके सेक्स जीवन पर क्या क्या पड़ता है। तो सेक्स जीवन पर इसके अनेक असर हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले तो मोटापा होना अपने आप में बहुत बड़ा स्टिग्मा है, तो ऐसे लोगों को पार्टनर्स भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। जिस व्यक्ति को मोटापा है उसको खुद को सेल्फ एस्टीम काफ़ी कम होती है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, इसकी वजह से भी उसको सेक्स प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्फिडेंस उसको नहीं होता। इनके अतिरिक्त जैसे उनको डिज़ायर की प्रॉब्लम यानी सेक्स की इच्छा भी उनमें कम हो जाती है। इसका कारण है कि मोटापा होने से जो एक प्रोटीन होता है SHBG, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, ये हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन वो हार्मोन है जिससे आपको सेक्स की इच्छा पैदा होती है, जो सेक्सुअल डिजायर पैदा करता है। तो यदि टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर सेक्सुअल डिजायर कम हो जाएगी।
इसके अतिरिक्त क्योंकि आपको जो है वो मोटापा होने से जो ब्लड वेसल्स यानी खून की नाड़ियों के अंदर की जो लाइनिंग है वो उसकी बीमारी भी हो जाती है, वो नैरो हो जाती हैं, और क्योंकि इसकी वजह से ही आपको हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा होने लग जाती है, शुगर की प्रॉब्लम होने लग जाती है, तो इसकी वजह से जो आपके जननांग हैं उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन कम होने से अराउजल यानी एक्साइटमेंट में कमी आ जाती है, तो इसकी वजह से इसके फलस्वरूप जो पुरुषों के अंदर इरेक्शन कम होता है यानी उनका ठीक से लिंग खड़ा नहीं होता है, और महिलाओं में सेक्स करते समय उनको उत्तेजना नहीं होती, उनकी योनि में गीलापन नहीं आता, जिसकी वजह से अनेक प्रॉब्लम जैसे उनको योनि के अंदर इन्फेक्शन, सेक्स के समय दर्द होना, ये सब प्रॉब्लम उनको होने लग जाती है। इन सब के अतिरिक्त जो प्रॉब्लम होती है वो है जो ऑर्गाज्म की, यानी उनको ऑर्गाज्म भी उतना अच्छा नहीं महसूस होता है जितना एक नॉर्मल वेट या सही वेट वाले व्यक्ति को महसूस होता है। इन सब के अतिरिक्त जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो मोटापे की आपके सेक्स लाइफ के ऊपर, वो है कि आप सेक्सुअल पोजीशंस जो होती हैं सेक्स करते इंटरकोर्स करते हुए, सारी सेक्सुअल पोजीशंस के अंदर आप सेक्स एंजॉय नहीं कर सकते। जैसे कि मिशनरी पोजीशन के अंदर क्या होगा कि जो मेल है उसके प्यूबिक एरिया के अंदर, मेल और फीमेल दोनों के प्यूबिक एरिया के अंदर काफ़ी फैट जमा होता है, जिसकी वजह से पेनिस जो है कई अनेक बार उसके फैट में दब जाता है, जिसको बोलते हैं बरीड पेनिस। तो इसकी वजह से बहुत छोटा लिंग होने की वजह से आप ठीक से वजाइना में डाल नहीं सकते हैं। मेरे पास अनेक लोग आते हैं, अनेक केसेस ऐसे आते हैं जो ऐसे मोटापे की वजह से उनके सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बन पाते हैं, शादी के बाद उनके शारीरिक संबंध नहीं बन पाते हैं, और ये एक बड़ी समस्या है। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। और जो पोस्टीरियर जो पोजीशन होती है जिसके अंदर पीछे से आप अंदर डालते हैं, उसके अंदर भी पॉसिबल नहीं होता है। काउगर्ल पोजीशन में भी मुश्किल आती है, लेकिन किन्हीं लोगों में ये संभव भी हो सकता है। तो ये एक बड़ी लिमिटेशन सी हो जाती है कि आप कौन सी पोजीशन में सेक्स करें, और इसकी वजह से या तो सेक्स के संबंध बन ही नहीं पाते हैं, और बनते हैं तो बहुत ही कम हो जाते हैं। ऊपर से आपको सेक्स की इच्छा भी कम है, ऑर्गाज्म भी कम हो रहा है, इरेक्शन भी कम हो रहा है, तो ऐसे जो कपल्स होते हैं उनके अंदर सेक्स लाइफ पे बहुत ही नेगेटिव असर पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए ऐसे अगर आप ऐसे हैं तो क्या करें। देखिए, जाहिर सी बात है, सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप अपने वेट का ख्याल रखें, खान पान पर ध्यान दें, आप क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं उसका ध्यान रखें, और आप ऐसी डाइट लें जिसके अंदर प्रोटीन्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी कम, और तेल की मात्रा भी बड़ी लिमिटेड हो। आपको किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहना चाहिए, एडिक्वेट 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, और कम से कम एक हफ्ते के अंदर 150 मिनट तक हाई वॉल्यूम एक्सरसाइज आपको निश्चित रूप से करनी चाहिए। हाई वॉल्यूम एक्सरसाइज का मतलब 30 से 40 मिनट तक ब्रिस्क वॉकिंग या जंपिंग या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आपकी कैलोरी बर्न होती हैं, शरीर एक्टिव रहता है, ऐसा आपको नियमित रूप से करना चाहिए। यदि आप ऑलरेडी ओबीस हो चुके हैं तो फिर आपको डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए, और मोटापा घटाने के लिए जो उपाय वो आपको डाइट में या दूसरे तरीके सजेस्ट करें उनको फॉलो करना चाहिए। इसके दौरान इन द मीन टाइम यदि सेक्स संबंध बनाना चाहते हैं और ट्रीटमेंट में समय लगेगा, तो उसके लिए मैं सजेस्ट कर सकता हूं कि आप अपने पार्टनर से टेबल टॉप पोजीशन पर सेक्स कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो फीमेल है वो बेड के कोने पर आ जाती है और अपना पेल्विस यहाँ पे रखती है और टांगों को चौड़ा कर देती है, और जो मेल है वो बेड के साइड में खड़ा हो जाता है और अपना पेनिस उसका वजाइना के सीध में आने की वजह से वो आसानी से एंटर कर सकता है, और इस प्रकार वो सेक्स कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली निश्चित रूप से आपको ध्यान तो ज़्यादा इसी पे देना चाहिए कि आपका वेट कम हो जाए। तो यदि मान लीजिए कि कोई भी तरीका कामयाब नहीं हो सकता है, तो फिर आप हमारे पास आ सकते हैं, हम आपका लाइपोसक्शन भी कर सकते हैं, सर्जरी से आपका वेट कम कर सकते हैं। अनेक लोगों को सर्जरी करने के बाद जो वेट कम हो जाता है तो ऐसा लगता है जैसे एक नई जिंदगी आ गई है, सेक्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाता है,
और उनके संबंध पहले से काफी प्रगाढ़ हो जाते हैं। तो ये तो सब कुछ था कि मोटापे का आपके सेक्स संबंधों पर क्या असर पड़ सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल विवाद हॉस्पिटल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।